गिरिवराधारे जय गोपी जन बल्लभा यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन कुंज विहारे जय राधा माधवा जय कुंज जय श्री सुगुणदास कृष्ण बलराम श्री जगन्नाथ बलदेव शूद्र महाराणी के जय श्री राधा कृष्ण चंद्र श्री श्रीलक्ष्मी देव के जय श्री श्री सीताराम रूपान मंजु के जय रात्रि भागवतम की जय श्री गोपाल महाराज की जय श्री गुरुदेव की जय श्री पार्वती की जय सदाई गौतमानंदे चार वर्ष सुंदी चार वर्ष सुंदी चार वर्ष नारायण नमस्कृत नरतम देवी सरस्वती व्यासूजय वेदे रामायणे सैव पुराणे भारते तथा दुचन्ति च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं भंगं लंघयते गिरिं यत्क्रोभासमं वन्दे श्रीगुरुदनतारिणी परमानन्दमाधव नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूपदं दर्शनामिति नामिनि नमो सद्भक्तमणि मणिपुरोद्भवाय च प्रभुपादलसद्वाणी प्रचार निरताय ते नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदशतारिणी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो जगतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः वृंदाई तुर्देवाय प्रियाय केशवचार्य विष्णुभक्तिपदेवी चतुर्थी नमः मनोजवं मारुततोलवेगं बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मजं वानरदूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणोर्महासाङ्गकचारुचापं जायतनं प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासारी गौरवृन्द श्रीकृष्ण Rama Rama Hare Hare
नंदस्वादेमु शुक्रपादस्दान सन्त सन्तु अवलमनम नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 84 अध्याय श्लोक संख्या 17। अनियायेता गौधेकात्मना अनियायेता गौधेकात्मना सुजात्यवत्यति न बद्यते यथा सुजद्यवत्यति न बध्यते यथा भौमे भौमेहि भूमि बहुनाम रूपिणी भौमेहि भूमि बहुनाम रूपिणी अहो विहुम्ना स्तरितं विडम्बनम् अहो विभुम्ना सरितं विडम्बनम् अनियायेतात् बौधेकात्मना सुजात्यवत्याति न बध्यते यथा भौमेहि भूमि बहुनाम रूपिणी अहो विहुना स्तरितं विडम्बनम्। अनियायेताद्बोधेकात्मना सुजात्यवत्यादि न बध्यते यथा भौमेहि भूमि बहुनाम रूपिणी अहो विमुना सरितं विडम्बनम् अनियायेताद्बोधेकात्मना सुजात्यवत्याति न बध्यते यथा भौमेहि भूमि बहुनाम रूपिणी अहो विमुना सरितं विडम्बनम् अनियायेताद्बोधेकात्मना सुजात्यवत्यादि न बध्यते यथा भौमेहि भूमिर्बहुनाम रूपिणी अहो विभुम्ना स्तरितं विडम्बनम् अनियायेताद्बोधेकात्मना सुजात्यवत्यादि न बध्यते यथा भौमेहि भूमिर्बहुनाम रूपिणी अहो विमुम्ना सरितं विडम्बनम् अनियायेताद्बोधेकात्मना सुजात्यवत्यादि न बध्यते यथा भौमेहि भूमि बहुनाम रूपिणी अहो विमुनाम सरितं विडम्बनम्। शुक्रनुवाद। भूमि स्वरूपत एक हेले मध्य घट प्रवृत्ति विकार भेद रे
जपरि विभिन्न नाम और आकृति धारण करे सेपरि आपण स्वरूपत एक एवं अप्रिय होई मध्य निज स्वरूप द्वारा बहु रूप से ए विश्व रे सृष्टि पालन और संहार करिथांति अथच निजे कर्म फल रे बद्ध होंती नाही सेहीपरि परिपूर्ण स्वरूप आपण जन्म चरित्र आदि अनुकरण मात्र बहुत वस्तुत सत्य नुहे। हरे कृष्ण अभ्यस्त भक्त सदानंद मातृवृंद आपण मान भागवत स्वागत जना जाउछि। कुरुक्षेत्र रे मुनि ऋषि माने एहिभळी भावे भगवान को निवेदन करछंती भगवान आम शुणिले 6-13 ये 8 श्लोक भगवान किभली ताकू सम्मान कले प्रशंसा कले प्रणाम कले सब वर्णना कर तेणु ये 16-27 12 श्लोक मुनि ऋषि माने भगवान को ता बदल रे किसी कथा कहते ये भावर आदान प्रदान आम जन को भल पाऊे केमी तार भल पाइबार लक्षण कौन भल पाऊ मैंने कौन करवाक पड़ते भल जो मैंने भल पाँच जन अन्य जन भल पाँच किभली भाव में भल पाइबार आदान प्रदान होटा कहा जाए भक्ति छ प्रकार रही कौन कौन ना प्रथम हूँ ददाति प्रतिगुणादि सी तुमको किसी देवे तुम्हें किसी प्रदान कर ददाति प्रतिगुणादि गुह्य माख्याति पृछति आम तुमको किसी प्रश्न पचार एवं सी मध्य आम किसी कहे एवं भुंक्ते भोजित चाहब आम तुमको किसी खाद्य प्रदान करवा सी मध्य आम किसी खाद्य प्रदान करे ये हूँ षड्विधा प्रीति लक्षण ये हूँ प्रीतिर लक्षण हूँ 6 प्रकार रही षड्विधा प्रीति लक्षण तेणु ये भल पाइबाटा एक तरफा नुह बहुत जिनस अच्छे आप एक तरफा करें कि भल पाइबाटा एक तरफा नुह ए दुईपट आसव दुई आदान प्रदान भाव आदान प्रदान हम तेणु भगवान जोबले कथा कहते मुनि ऋषि मैंने किसी ता बदल कि कहे तार उत्तर देवे भावना प्रकाश कर भगवान जो भाव भावना प्रकाश कले मुनि ऋषि मैंने भावना प्रकाश करे कि भगवान अन्य मान अन्य मान भितर तफात कौन ना भगवान सर्वज्ञ भगवान सबकि जानते किंतु कहीं सर्वज्ञ नुहंती कहीं सर्वज्ञ नुहंती एमती कि भगवान के जन अवतार बलराम से मध्य सर्वज्ञ नुहंती आम शुणु कि भाव में भगवान जो कौन कौमार वयसर लीला ब्रह्मा जिते बड़े बत्सा मान को चोरी कर नहींगले बलराम मत जापारे ना तेणु भगवान ये सर्वज्ञ सबकि जानते भगवान तेणु मुनि मैंने कौन कहे मैं से जानते सीटा मुनि मैंने कौन कहे भगवान कहींपर ये हूँ भगवान एवं जीव भितर तफात होटा जा मुनि ऋषि मैंने आमर जी बुद्धि देखते भगवान प्रभुपाद महाराज गोटे स्थल श्लोक भाषा कहते भागवत एका स्कंद 11 अध्याय से शुकुटी अच्छा किभली भगवान नित्य नूतन भगवान किभली नित्य नूतन ए विषय वर्णना कर सुत गोस्वामी कहते प्रथम स्कंद 11 अध्याय 32-33 श्लोक कहते जे भगवान किभली नित्य नूतन ए जानवा भगवान राणी मान पाखे ये राणी मान अच्छा राणी मान पाखे भगवान सब रोच पार्श्वत एवं एकांत भाव रोच तथापि से मैने भगवान को छाड़ी जावाई चाहूना भगवान छाड़ी जावाप कहीं भगवान पाद पद्म नित्य नूतन नवम नवम सब नूतन लगुव ए भगवान नित्य नूतन दा भगवान पाखे रही नित्य नूतन भगवान नवम नवम सब नूतन लगुव एमती कि अन्य मान कथा कौन कह चढ़ा जत श्रियपी लक्ष्मी को कौन सब चंचल बोली कह जाए चढ़ा सी गोटे स्थान में रही पारती आज देखुचे आम जन बहुत बड़ धनी व्यक्ति रही काली से बहुत ये दरिद्र व्यक्ति हो माल्या जन थी यूज तक बाहर
तीवड़ धनी थे लुचिकी रही जी लंडन रे लंडन लुचिकी वारंट दिगला ये हम जेल पुनिया जीव यह अवस्था हो जाऊला भौतिक जगत अवस्था ये भाव में लक्ष्मी ये भाव चंचला सुत गोस्वामी क्या कह चढ़ा अपी जदिओ चढ़ा कहले ये चंचला लक्ष्मीदेवी श्रीय जत श्रीय लक्ष्मीदेवी चंचला किंतु सी भगवान पाद पद्म को केवल त्याग करती ना भगवान पाद पद्म सब नूतन लगुव नित्य नूतन नित्य नूतन से भाव भगवान विग्रह मध्य सब नित्य नूतन भगवान विग्रह आम देखुचे हाँ सका ये रूप थी बर्तमान गोटे रूप नुह आम भाव अनुसार भगवान भगवान रूप को आस्वादन करेंगे सी जार जो भाई भाव ए प्रसंगे श्री प्रभुपाद महाराज कहते आम हाइएस्ट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ आम जीवन श्रेष्ठ पूर्णता कौन सिद्धि कौन अच्छी ना समस्त चाहूँ गोटे बड़ पोस्ट पाइबापी भौतिक जगत में देखुचे जिते बड़ धनी व्यक्ति हूँ ना कहीं सी चाहिए आउ टे उन्नत स्तर को जीव आउ टे उन्नत स्तर को जीव आउ टे उन्नत स्तर को जीव कहीं कह मुझे शांति हम ये मोदी यथेष होगा आ दरकार नहीं धन भौतिक जगत से भाव किंतु सबुठ श्रेष्ठ सिद्धि कौन ना भगवान सेवार निजुक्त रहा हाइस्ट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ आम जीवन श्रेष्ठ सिद्धि होटा यदि आम भगवान सेवार निजुक्त रही पार प्रभुपाद महाराज से श्लोक भाष्य तेणु मुनि ऋषि मैंने से भगवान सेवार निजुक्त रही सब से कथा सका उठिले से भगवान भजन कर रातिर से भगवान भजन कर सका पीछे चल चल सब से कथा किंतु केवेले से तृप्त हो जाती ना सब अतृप्त बोध करती देखते अलंग बुद्धि बोली रही गोटे कथा रही संस्कृत में यह अलंग बुद्धि आम जब क्षुदा हूँ आज आम का एका रही अवश्य आम उपवास रोना कि उपवास रो था केमी खाद्य ग्रहण करने आम इच्छा था बर्तमान जहा हूँ आम रही पारणा टाइम पारणा टाइम पारणा कले किंतु पूर्ण भाव में उपवास रहीकि पारणा टाइम जब आम खाद्य दिगला जिते सुस्वादु खाद्य दि जाऊना कहीं जी आम दरकार से खाई सारापर आच्छा हम ना जबरदस्ती देने चाहिए ना कारण कौन ना तीनोटी कारण रही कहते अलंग बुद्धि तीनोटी कारण जड़े कह सफिसीयंट होगा आ दरकार नहीं कौन कौन प्रथम हूँ उदर भरण हो गला आम जो खाद्य ग्रहण कले जो जीव से फुल होगा कौन खाद्य आ दरकार नहीं ये गोटे कारण द्वितीय कारण हूँ रस खाई बहुत बड़ बहुत रसा खाद्य जो दिजो तेज़ आउटर खाई तेणु जो मान रस ज्ञान नहीं ग्रहण करेंगे ना अड़ बुद्धि आसव एवं तृतीय कारण हूँ कौन सी कारण जो जिहारे आम रस प्राप्त होवार मानने ज्वर इत्यादि रस प्राप्त हो पार ना तीनोटी कारण को अड़ बुद्धि भी कह जाए किंतु भगवान को सबकि नित्य नूतन भागवत गोटे श्लोक अच्छा वयं तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे झत्सुणंदांग रस ज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे सनक ऋषि कहते सुत गोस्वामी को प्रभु वयं तू न वितृप्याम आम तृप्त हो पारना वयं तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे भगवान यह सब रही लीला सब रही उत्तम श्लोक विक्रमे जत शुणता जहाँ को शुणुवा समय रे रस ज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे प्रतिपदे से रस प्राप्त होते ज्ञान प्राप्त होते स्वाद प्राप्त होते स्वादु स्वादु पदे पदे ये श्लोक भाषा सुदर्शन कथा कौन भगवान सेवारे कहीं कह मान कह मोर हो जथेष्टला सकाल जा दर्शन कर दे आस दरकार नहीं दिन सारा ना जिते देखु थे नुआ देखु दिशु थाए भगवान प्रकृति भगवान कथा कौन कह भगवान सब रही अद्भुत ताकर विडम्बनम भी कह जा
अहो विमुन विमुनस चरित विडम्बनम भगवान लीला को कहीं बुझीपरिवे ना जा मुनि ऋषि मानकर जी शक्ति रही भगवान विषय से कहते एवं से कहते से मनगढ़ा कथा कहते शास्त्र अनुसार कथा कहते कौन त्रुटि ना बध जीवर जमी विभिन्न प्रकार दोष रही चारोटी दोष रही दोष चतुष्टय किंतु मुक्त जीव मान से दोष न थाए तेणु मुनि ऋषि मान जहाँ कहते भगवत तत्व कहते प्रकाश कर तेणु वर्तमान मुनि मैंने कहते कौन कहले आम गत काली आलोचना करते जन्माया तत्विदुत्तमा वयं विमोहिता विश्व सृजा मधीश्वर यदि शीत पैति गुढ़या अहो विचित्रम भगवत विचिष्टितम ये श्लोकटी आम शनिवार दिन आलोचना करते भगवान जो कथा कहले से जन भाव भगवान बोधे उन्नत नुहंती बा सी नियंत्रणकारी नुहंती सी का द्वारा नियंत्रित होती किंतु भगवान से भाई भाव कहले तेणु मुनि मुनि ऋषि मैंने कहते प्रभु आपण हूँ प्रकृत ईश्वर आपण हूँ नियंत्रणकारी आम सब आपण नियंत्रण अधीन ईशितव्य ये दुईटी श्लोक आम आलोचना करुले ए पूर्व आलोचना हो जाए तेणु बर्तमान श्लोक कहते प्रभु अनीह ये बहुत एक आत्मना शिवा सुदर्शन कहते ये हूँ भगवत तत्वमेवा भगवत भगवतम आपण होती नियंत्रणकारी भगवतम एवं आहो यू कहते श्लोक आपड़ केमी नियंत्रणकारी जी भगवान को सहित मुनि ऋषि मान कथा होती भगवान जे सोई पड़ता नुह भगवान सोई थे से सब शुणु सब जानुंट कारण भगवान निद्रा आम निद्रा भाई नुहर जोग निद्रा तेणु मुनि ऋषि मान जहाँ कहते भगवान किसी चिंता करुवे कौन से चिंता कर सुदर्शन टीकार कहते कौन कहते भगवान कहे मुझे भाव नियंत्रणकारी ना आप भाव नियंत्रण भगवतम एवाह भगवत भगवान किभली नियंत्रणकारी ये श्लोक कहुभली नियंत्रणकारी ना कौन ना अनीह ये बौद्धिक आत्मना भगवान जदि एक किंतु से एभली भाव निजी विस्तार कर मानने अंत ना भगवान विस्तार अंत ना भगवान गोटे नाम हूँ अनंत गोटे नाम हूँ अनादि गोटे नाम हूँ अनंत ये कौ काल से भगवान निजी विस्तार कर चलते सब ना भगवान ये भगवत भगवान नियंत्रणकारी निजुक ये भाव विस्तार करें ये भगवान यदि एक अद्वैत अच्युत मनादि मनंत रूपम आद्य पुराण पुरुषं नवजौवन च वेदेश दुर्लभ मधुर्लभमात्म भक्त गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि भगवान अद्वैत अद्वैत कहले दुई नुहति से एक भगवान आम जो गंडगोल संबलपुर दंगा है कौन पर से मैंने भावंट भगवान अलग अलग तुम भगवान आम भगवान अलग ये जानु ना भगवान एक बोली अधिकांश लोक जानती ना प्रभुपाद महाराज जाते अमेरिका को से समय अमेरिका विशेष भाव ख्रिश्चियन मैंने से मैं कहले आमर रही धर्म रही आम धर्म आम सब कथ कगवान विषय कह तुम्हें कहीं तुम धर्म को प्रचार कर तुम धर्म को आम कहीं कौच यह प्रश्न पचारे तेना प्रभुपाद महाराज तार उत्तर देते जदि आमर गोटे रोग होमर बर्तमान संबलपुर जो मान रोग बुर्ला जो मान रोग डाक्तर पाक जाऊँगी डाक्तर पाक जो जाऊँ से कहना आपन कौ धर्म आपर्म तापर से रोग कथा कह डाक्तर मैंने से रोग कह मोर यही रोग हो से औषध देवे से कहे नहीं आप कौ धर्मवलम्बी आम तुम आपल भाव आम धर्म होते आम नबू ना से भाव ये भगवान कथा मत गोटे औषध भगवान कथ हूँ औषध आम रोग को भल कर
बहुपात महाराज सेटा कहले मु तुमको ज्ञान दौ ज्ञान प्रदान करा जाउछि तेणु मुनि ऋषि माने एभली भाव कहते भगवान एक कि निजक विस्तार करते भाव निजक विस्तार करती से सब ना भगवान भुवनादि काल भगवान चलती लीला चलती से सब ना भगवान तेणु ये कहते अनीह कहले भगवान जदि सब कार्य किंतु से अनीह अक्रिय सब कार्य कले से कुछ करूना अनीह एतद् बहुदेक आत्मना भगवान निज को अनेक प्रकार निज को विस्तार करती प्रकार भगवान विस्तार कर भागवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय वर्णना कर कितने भगवान अवतार अच्छा कारण ये प्रश्न टी पचारे अवतार मान विषय आम कहतु भगवान अवतार विषय न जानले आम जहाँ को कह भगवान बोली तेणु भगवान सुत गोस्वामी भगवान अवतार मान विषय कहीकि शिशु कौन अवतारा ही असंख्या अवतार मान संख्या गणी हम ना असंख्या यथा कौन अवतारा ही असंख्या केवल असंख्या ना हरेट सत्व निर्देश दीजा भगवान हरिंकर जो सत्व रही भगवान जो एकदा बोली कह निजी को विस्तार कर यदि भगवान सत्व एक किंतु से निजी को विस्तार कर सत्व निर्देश दीजा तेणु यथा विदासीन कुल्या सरस शिव सहस्रश जे भाई भाव गोटे विराट जलराशि अनेक स्रोत चली आसे अनेक नदी बही जाए अनेक स्रोत चली आसे से भाव भगवान अनेक अवतार आसक अवतार कितने प्रकार अवतार रही गणना करना जुग एभ विस्तार करेणु से कथा कौन अनीह एतद् बौद्धिक आत्मना अनीह एतद् जदि से एक किंतु निजुगु बहु भाव निजुगु विस्तार करुछन्ति भगवान विस्तार अंत नहीं एवली रही भगवान शक्ति रही कहीं विस्तार करुछन्ति भगवान पचारे मुनि ऋषि मान को कहीं सब कार्य कर सृजति अवति अति न बध्यते जथा भगवान सृष्टि करुछन्ति सृजति कह सृष्टि करुछन्ति भौतिक जगत किए सृष्टि कर हाँ वैज्ञानिक मैंने चिंता कर मन मन होगा बोली कत परीक्षा चलती गवेषणा करु सृष्टि भगवान ही कर सुजति अवती अवती कहले पालन करती खाली सृष्टि करदे पा पितामाता मैंने पा पाता जन्म होती किमी से पालन करे शक्ति अच्छी किंतु भगवान समस्त पालन करुँचि करवस्था करमी से चलिए सका उठी रात पर्यंत के कौन सब दरकार जड़े गोटे व्यक्तिर के दरकार हो चिंता करूँ यही भाव कोटि कोटि जीव रही खाली मनुष्य नुहति पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि अनेक जीव रही समस्त जी हिसाब करण कौन आवश्यकता रही आम पूरण करमर कौन कौन दरकार जब तुमको कह आप प्रति सका कह आज आप कौन आज दरकार आप गोटे विराट लिस्ट देवे से भाव में कोटि कोटि जीव रही कोटि कोटि लिस्ट आसोटे किए सप्लाई कर भगवान अवती पालन करती भगवान ब्रह्मा रूप से सृष्टि करती विष्णु रूप से पालन करती एवं शिवजी रूप से संहार करती शिवजी तमगुण को आश्रय कर संहार कर ब्रह्मा रजगुण को आश्रय कर सृष्टि कर विष्णु सत्वगुण रही विष्णु सत्वगुण रही सत्वगुण तक प्रभाव रही नुह जमी उदाहरण दि जाए जो भाई भाव आमर ये फटो रही गुरुदेव फटो रही ऊपर काच रही तले फटो रही काच आ फटो कौन मिशि जाऊँगी अलग अलग रही भाई भाव भगवान जदि सत्वगुण रही कि सत्वगुण को स्पर्श कर पारती ना ये भगवान विष्णुकर एवं अन्य
विभिन्न अवतार मान कितु तफात हूँ यहीटा जमी आम देखा रजगुण द्वारा प्रभावित होकर ब्रह्मा सब कार्य करती थे भागवत दशम स्कंद अठाशी अध्याय वर्णना कर मुनि ऋषि मान चिंता कले सब देवता मान 33 कोटी देवता अच्छा भितर श्रेष्ठ होती तीन जन किए किए ना ब्रह्मा विष्णु और शिव तीन जन तेणु तक सरस्वती नदी तटे ये भागवत वर्णना कर आलोचना कले भितर किए श्रेष्ठ केमी जाणी तेणु भृगु भृगु होती ब्रह्मा पुत्र भृगु भृगु को पठागला भृगु कले हिसाब मान कौन कमिशन वन मैन कमिशन से डिसाइड करेंगे किए आंक भितर श्रेष्ठ तेणु भृगु आसिले भृगु हूँ ब्रह्मा पुत्र सी रोच कौटी ना सी रोच स्वर्गर उपर लोक जो रही महत लोक सी रुंती जा गले परीक्षा करने प्रथम निज पिता गले ब्रह्मा पा गले ब्रह्मा लोक रही ब्रह्मा लोक जाए पहुँचीगले पिता देखुं पुह आसी बहुत मन खुशी पुह पुह आस बहुत दिन पर आंधु भृगु कौन कले ना प्रणाम कले ना नमस्कार कले ना हरे कृष्ण भी कहले ना तेणु ब्रह्मा बहुत क्रोध जात है क्रोध जात है किमी जानते क्रोध जात है चक्षु लाला जना पड़ो केवल क्रोध जन क्रोधी व्यक्ति को जना देखे जना पड़ जाए क्रोधी रजगुण रजगुण प्रभाव रही ब्रह्मा रजगुण जात होती तेणु भृगु आउ कि न कहीक पलिगले जाचीगले भाई पाखु बड़ भाई शिवजी बड़ भाई कैलाश पर्वत शिवजी पार्वती पाखे सहित भगवान कथा कौन ये भाव सब शिवजी भगवान सब गुणगान करते शिवजी शिवजी सी भगवान किंतु सी जो तम गुण को आश्रय कर आसती सी शिवर परिणत हूँ तेणु सी मत देखिले भाई आसूस कहीं पछटी आने गले कि भृगु एभली भाव कड़ा कथा कहले तिरस्कार कले निंदा कले भाव निंदा कले शिवजी क्रोध आसीगला एवं शिवजी तुम हत्या करने त्रिशूल गोड़ेल हत्या करने तेणु बहु कष्ट भृगुमुनि जीवन प्राप्त है नन्म मृत्युवरण कर शिवजी तक हत्या कर दे था तेणु आसी पहुँचीगले वैकुंठ लोक ब्रह्मा भगवान शयन कर दशम स्कंद 99 अध्याय वर्णना कर भगवान किभली शयन कर लक्ष्मीदेवी कोल श्लोकटी अच्छा शयान श्रिय उत्संगे पदापक्ष सदाड़ लक्ष्मीदेवी कोल मथा रखिक भगवान शयन कर शयान श्रेय उत्संगे पदापक्ष गले जा भगवान वक्ष देश में पादर गोटे पदाघात कले भगवान को पदापक्ष किंतु भगवान कौन सी क्रोध आसला ना से उठि पड़े सांगे सांगे उठि पड़े तथा उत्थाय भगवान सह लक्ष्मी शतांगतिम उठि पड़ी जा क्षमा प्रार्थना करगु को कहे आप आसे बोली मुझे जापार नी आप स्वागत करें मत क्षमा करूँ मोर वक्ष देश बहुत कठिन आपण पाद बहुत कोमल कहीं आँसू दौन यही भगवान यपर्त वक्ष देश स्थान दे ब्राह्मण पाद चिन्ह को श्रीवत्स चिन्ह भी कह श्रीवत्स भगवान वक्ष देश चिन्ह जो लक्ष्मीदेवी रही श्रीवत्स चिन्ह रही भगवान ब्राह्मण को भल पा देखु गोईटा मारे भगवान पक्ष स्थान दे ब्राह्मण को ब्राह्मण पाद को स्थान दे रुगु पाद रही तेणु ये आम कह उद्देश्य था ब्रह्मा विष्णु भगवान गुण द्वारा प्रभावित हमें ना कि अन्य जो ब्रह्मा रही शिवजी रही सब गुण द्वारा प्रभावित हो जाती सब दिखाई सब उदाहरण सब रही इतिहास सब रही तेणु भगवान विष्णु पालन करती ब्रह्मा सृष्टि करती शिवजी ध्वंस करती ध्वंस समय शिवजी कार्य आरंभ हो ध्वंस करेंगे तेणु ब्रह्मा व शिव एम पालन करें भगवान निजे पालन करष्णु पालन कर
କେତେ ଜୀବ ରହିଲେଣି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜା ଯେହେତୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତା ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ, ମନୁଷ୍ୟ ନରାଣାଂ ନରାଧିପମ୍, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା, ରାଜା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ରାଜା, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଏ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତିଆରି କରିବାଟା ବଡ଼ ସହଜ, ଭାଙ୍ଗି ଦେବାଟା ବଡ଼ ସହଜ କାଲି, କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କେତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ଏମିତି କଲାଣି, ସିଏ ସେମିତି କଲାଣି, ସିଏ ସେମିତି କଲାଣି, ସିଏ ସେମିତି କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଜତି ଅବତି ଅତି ନ ବଧ୍ୟତେ ଯଥା, ଭଗବାନ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଧ୍ୟତେ କହିଲେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ପିଲା ଆମର ହେଉଛି, ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛେ, କେତେ କ'ଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଆସକ୍ତି ଆମର ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, କେତେ ଆସକ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭୌତିକ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଛି ନା ନା ବଧ୍ୟତେ, ଭଗବାନ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ବୈରାଗ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛଅଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ, ସବୁକିଛି ସେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଇଏ ଯେ ଭଗବାନ ଭଗବତା ଭଗବତ୍ୱକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ବଧ୍ୟତେ ଯଥା, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମେ ଆମେ କ'ଣ ଏ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବନ୍ଧନ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନ। ଉଦାହରଣ କିଭଳି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଭୌମି ହି ଭୂମି ବହୁ ନାମ ରୂପିଣୀ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂମିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବାହାରୁଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ଏ ଭୂମିରୁ କେତେ ଏ ଗଛଲତା ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଭୂମିର ବିକାର, ଭୂମିର ବିକାର ସବୁ ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, କାହାର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଭୂମିର, ଭୂମିର ବିକାର। ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପିଲାଦିନେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମାଟି ଖାଉଥିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ମାଟି ଖାଇଥିଲେ ସେମିତି ଭଗବାନ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ମାଇଁ ତୋତେ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇ ସନ୍ଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଇଛି, ତୁ କାହିଁକି ସେ ମାଟି ଖାଉଛୁ, ମାଟି ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳାରେ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ତ କ'ଣ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଉଛ, ଏସବୁ ମାଟିର ବିକାର, କେତେ ପ୍ରକାର ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ ହେଉଛି, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ମାଟିର ବିକାର, ମାଟିରୁ ସବୁ ହେଉଛି ନା କେଉଁଠୁ ହେଉଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିବ ଏଇଟା, ମାଟିରେ ମାଟିରୁ ସବୁ ତିଆରି, କେତେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହେଉଛି ମାଟିରୁ, ଫଳ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଫଳରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି, ଭେରାଇଟି ରହିଛି, ବହୁତ ଫଳ ରହିଛି, ଆମେ ଜାଣିନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଫଳ ସବୁ ରହିଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଫୁଲ ରହିଛି, ଏ ଭୂମିରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କେତେ ବାସନା ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ମଲ୍ଲିର କିଭଳି ଭାବରେ ବାସନା ରହିଛି, ସୁଗନ୍ଧରାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ବାସନା ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ, ଏଇଟା ସୁଗନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧାଂ ପୃଥିବ୍ୟାଂଶ୍ଚ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଥରେ ଜଣେ କ'ଣ ନା ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ବାନ୍ଧବୀ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ଫୁଲ ବିକାଳି, ଆଉ ଜଣେ ମାଛ ବିକାଳି, ଫୁଲ ବିକାଳି ମାଛ ବିକାଳି, ଦୁଇ ଜଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଥିଲେ ସଖୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଥର ସେ ଯେଉଁ ମାଛ ବିକାଳି ସିଏ ଯାଇଥିଲା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ଡେରି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଘରୁ ଗଲାବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିକିରି ତାଙ୍କ ସଖୀ ଫୁଲ ବିକାଳି ବା ଫୁଲ ବିକାଳି ସେ ଫୁଲ ସବୁ ଗୁନ୍ଧାବୁନ୍ଧି କରିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଖାଲି ଫୁଲ ଗଜେଇକି ରହିଛି, ଫୁଲ ଖାଲି ବାସରେ ମହକି ଯାଉଛି, ଗମ ଗମ ବାସ ହେଉଛି,
तेणु से तांकर गृह रहीगला से दिन राति रे राति रहीगला किंतु सी राति रे सोई पारला नाही काई सोई पारला नाही ना जो फुलर फुलटा को बहुत गंध लागला तक फुलटा तक भल लागले नाही फुलर वासटा को बहुत गंध लागला भल लागले नाही तो सोई पारला नाही तेणु से जाकि तार जो माछ सब रही से कपड़ा फपड़ा थी से कपड़ा को निज पाखे रखिकी से गंधरे से शुला बहुत जगत यह अवस्था आमर हाँ आम कौ स्तर अच्छे आम कौ स्तर अच्छे किंतु आम भूलिकी आम भौतिक स्तर रही जाइए भौतिक जिनस भल लगुच आ दिव्य जिनस भल लगुना तेणु ये कथाटी कह हाँ आम कह उद्देश्य यही भाव में कति प्रकार फूल रही कति प्रकार तार सुगंधि रही कते प्रकार रूप रही कते प्रकार आकार रही कति प्रकार सब तीनोटी रंग रही तीनोटी रंग मूल रंग होची तीनोटी कौन कौन ना सत्वर सत्व गुण रंग होची हलदिया रजगुण रंग होची लाल तम गुण रंग होची ब्लू नील ए तीनोटी होची मूल तीनोटी रंग किंतु हा ये तीनोटी रंगर मिश्रण रे केते प्रकार केते रंग होची केते प्रकार आम देखी सूर्य किरण रही सतटी रंग रही बैगणी घन नील इत्यादि विभिन्न प्रकार नील सबुज इत्यादि करते प्रकार रंग रही फूल रे केते प्रकार रंगर फूल सब रही भेराइटी कौट आसला ये पृथ्वी आसला आउ कौट आस भूमि पृथ्वी केते प्रकार सृष्टि भगवान ही भगवान को शक्ति देखु जड़े केवल जो चिंता करेंगे ये भाव तेज़े जन भगवत चेतनशील हो पार तेणु ये मुनि ऋषि मैंने कौन भौमेहि भूमि बहु नाम रूपिणी केते प्रकार आम फूल फल इत्यादि हाँ आम कौल महाप्रभु ये निमाय पंडित सब कहले से महाप्रभु यहाँ मायावाद प्रचार करुले ए भूमि विकार हो सन्देश आ भूमि खाइली असुविधा कौन है ये भाव कही निमाय पंडित ज्ञान देते माँ को सती माता सती माता कहले हाँ तोर ये के बुद्धि आसला मूर्ख मूर्ख बुद्धि कौट आसला तोर आरे भूमि माटी खाइले पेट खराब हे कृमि हे इत्यादि हे किंतु ये सन्देश इत्यादि सब खाइले तुम देह सुस्थ हे हाँ पुष्टि साधन हम तुम जमी महा उदाहरण देमी मटी मटी आम जिते पा पक दे पाटा शोषि नहीं जाऊँ शोषि पड़ जाऊँ किंतु से मटीर तैयारी घट घड़ा जो मठिया मठिया पा रखिले से कौन शोषि जाऊँ मठिया पाटा रोचे से भाव मायावाद को भगवान माँ का मध्यम प्रचार करुले मायावाद को कमी खंडन कर पिलादिन महाप्रभु ये सब शिक्षा दे आम इस्कन हो भाव में मायावाद मायावाद विरुद्ध कथा कह जा ज्ञान प्रदान कर मायावाद विरुद्ध तेणु मुनि ऋषि मैंने कहते भौमि ही भूमि बहु नाम रूपिणी तेणु ये भूमि कति प्रकार खनिज पदार्थ सब रही कति प्रकार खनिज लुहा इत्यादि करते प्रकार सब रही खनिज पदार्थ ये सब कौटे आसला भूमि आसमि सृष्टि होती भगवान ये सृष्टि करगवान ये वर्षा माध्यम से सृष्टि हो वर्षा माध्यम भागवत एकादश दशम प्रथम स्कंद दशम अध्याय श्लोकटी अच्छा सुत गोस्वामी कौन जो युधिष्ठिर महाराज राजशासन करुले से समय किभली भाव युधिष्ठिर महाराज अर्थनीति किभली फैक्ट्री इत्यादि थी इंडस्ट्री इत्यादि थी आजिकल जमी बहुत प्रकार कौन कल कारखाना सब रही से सब थिला ना सब नाला किंतु लोक मैंने बहुत कष्ट रोते बहुत आनंद रोते ये वर्णना कर गोटे श्लोक आम जाणी किभली भाव भगवान कृष्ण राज्य समस्त जानते भगवान रामचंद्र राज्य राम राज्य भी कहुचे किंतु कृष्ण राज्य विषय लोक मान कम कम धारणा रही कृष्ण भक्त मैंने जानते अने जानती ना भागवत प्रथम स्कंद दशम अध्याय
ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, କାମ ବବର୍ଷ ପର୍ଜନ୍ୟ ସର୍ବକାମ ଦୁଃଖାମୟୀ ଶିଚି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଗାଭ ପୟ ଶୋଧି ସୁତିର୍ ମୁଦା। ଏ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ଆସିଲା, ବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ଗରମ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯିବ, ଗରମ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯିବ, ବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ରହିଛି। ତପାମି ହମ ହମ ବର୍ଷମ, ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଏଇ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଖରାଦିନରେ, ତାପରେ ଆସି ବର୍ଷା ଦିନ, ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଦେଖନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ଏଭଳି ରହିଛି। ଏ ଭକ୍ତମାନେ ଏସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିବେ ଏମିତି ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା, ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଠି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଇଁ ସବୁ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଭଗବାନ ଖରାଦିନେ ତାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତପାମି ହମ ହମ ବର୍ଷମ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି ଜଳ ଯେ ଆସୁଛି ତା ନୁହଁ, ବହୁତ କିଛି ବସ୍ତୁ ଆସୁଛି ବର୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଆସୁଛି। ଭାଗବତରେ ଏକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କାମଙ୍କ ବର୍ଷ ପର୍ଜନ୍ୟ, ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହା ସବୁ କାମନା କେମିତି ପୂରଣ ହେଉଛି ଏ ବୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ। କାମଙ୍କ ବର୍ଷ ପର୍ଜନ୍ୟ ସର୍ବକାମ ଦୁଃଖାମୟୀ, ଏ ମହି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଭଗବାନ ସେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଉଛି ପୁଣି ବର୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବକାମ ଦୁଃଖାମୟୀ ଶିଶି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଗାଭ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଶାସନ, ରାଜା ଯିଏ ହେବେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଶାସନ କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ ଏଇଥିରୁ ଏଇ ଶ୍ଳୋକରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାମଙ୍କ ବବର୍ଷ ପର୍ଜନ ସର୍ବକାମ ଦୁଃଖାମୟୀ ଶିଶି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଗାଭ, ଗାଭୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗୋରକ୍ଷା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ବୈଶ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋରକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଗୋରକ୍ଷା ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋରକ୍ଷା ଏଭଳି ଭାବରେ ଗାଭୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ, ଶିଶି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଗାଭ, ତାଙ୍କର ପହ୍ନାରୁ କ୍ଷୀର ସ୍ୱତଃଜାତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ପାଣି ଦରକାର ହେଉନଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୟଶୋଧି ସ୍ୱତିର୍ ମୁଦା, ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପହ୍ନାରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିଲା, ମାଟି ସବୁ ଓଦା ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଶିଶିଶୁ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ କାବିମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ପ୍ରଜାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଭୂମିର ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ସର୍ବକାମ ଦୁଃଖାମୟୀ, ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, 800 crore ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ। କେତେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଉଛି ସକାଳଠୁ ଗୋଟେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଲି ଯଦି ହିସାବ କରାଯିବ କେତେ କେତେ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଏସବୁ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଭୂମି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୂମିଦେବୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମନ ଋଷିମାନେ, ଏ ଭଗ ଭୂମିଦେବୀଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଭୂମି ହିଁ ଭୂମି ବହୁ ନାମ ରୂପିଣୀ, ସେ ଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଛି ନାମ, ଭୂମି କେଉଁଟା ଲୁହା, କେଉଁଟା ସୁନା, କେଉଁଟା ରୂପା, କେଉଁଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ମେଟାଲ ସବୁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଟାଲ ରହିଛି ଭୂମିରେ, ସବୁ ଭୂମିରୁ ଆସୁଛି, ସବୁ କେଉଁଟା ଆସୁଛି ଭୂମିର, କେତେ ନାମ ରହିଛି ଭୂମିର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭୂମି ହିଁ ଭୂମି ବହୁ ନାମ ରୂପିଣୀ, ହିସାବ କରିହେବନି, ହିସାବ କରିଲେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବହୁ ନାମ ରୂପିଣୀ ଭୂମି, ଭୂମିଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଭୂମିଦେବୀ। ଅହୋ ବିଭୂମ୍ନ ଚରିତଂ ବିଡ଼ମ୍ବନମ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବତକୁ ଭଗବାନ ଇଏ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ, ଅହୋ ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ପ୍ୟାକିଂ କିଏ କରୁଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ରହିଛି ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଉଛି,
ଯେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ଆମେ ସେ ସମୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେମିତି କ୍ଷୀର ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ। ଜଣେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏ କ୍ଷୀର ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, କ୍ଷୀରଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ନା ଇଏରୁ ଆସୁଛି, ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆସୁଛି, ଦୋକାନରୁ ଆସୁଛି। କ୍ଷୀର ଯେ ଗାଈ ଦେଉଛି କ୍ଷୀର ସେଇଟା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋ ସବୁ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବ କିଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ସେଠି ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ, ହଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ରହିଛି, ବିରାଟ ବିରାଟ ଫାର୍ମ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଦେଖିକି ପାହାଡ଼ ଧରିକି ଫେରିକି ଆସୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଗାଭୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଗାଭୀମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଯେ ଆମେ ମୋତେ ନେଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ଫର୍ଚୁନେଟ୍, ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ତୁମର, କାରଣ ତୁମେ ଗାଭୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲ। ଗାଭୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରହିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାର୍ମରେ ରହିବେ ସେମାନେ, ସେମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଛେ ଗାଭୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ରହିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏ କ୍ଷୀରଟା ଗାଈ ଦେଉଛି ବୋଲି, କ୍ଷୀରଟା ଗାଈଠାରୁ ଏ କ୍ଷୀରଟା ଆସୁଛି ଲୋକମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଡାଇରୀ ଫାର୍ମରେ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ଉପରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି, ଚମଡ଼ା ଲାଗିଛି ଟମାଟୋର ଉପରେ ଲାଗିଛି, ଚୋପାଟା ଲାଗିଛି। ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ପଚାରୁଥିଲି ଆଳୁରେ ଏ ଯେଉଁ ଚୋପାଟା କେମିତି ହେଲା, ପ୍ୟାକିଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ରହିଛି, କିଏ କରିପାରିବ ସେମିତି, ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ତିଆରି ହେଉଛି, ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଛି। ବହୁ ନାମ ରୂପିଣୀ ଅହୋ ବିଭୁମ୍ନ ଚରିତଂ ବିଡ଼ମ୍ବନମ୍, ଭଗବାନ ବିଭୁମ୍ନ ବିଭୁ ଅନନ୍ତ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବାନି ଭଗବାନ କେତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ବିଭୁ ସିଏ ଅନଲିମିଟେଡ଼, ଆମେ ହେଉଛେ ଲିମିଟେଡ଼, ଏତେ ବଡ଼ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲିମିଟେଡ଼ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲିମିଟ୍ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏତିକି ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ରହିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ଳୋକଟି କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅବତାର ମାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ନାରଦ ମୁନି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଦଂ ବେଦାମ୍ୟମି ମୁନୟୋଗ୍ରଜାସ୍ତେ ମାୟାବଳସ୍ ପୁରୁଷ କୁତୂବରାଜେ ଗାୟନ୍ ଗୁଣାନ୍ ଦଶସତାନ ଆଦିଦେବ ଶେଷ ଅଧୁନା ବି ସମବସ୍ୱତି ନାଶ୍ୟ ପାରମ୍। ଅନନ୍ତଦେବ ଯିଏକି ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର 1000 ଫଣା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଫଣାରେ ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧାରଣ, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆକାର କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି, 50 କୋଟି ଯୋଜନ, 400 କୋଟି ମାଇଲ, 600 କୋଟି କିଲୋମିଟର ଏ ଭୁବନକୁ ଅନନ୍ତଦେବ ଗୋଟିଏ ଫଣାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ସୋରିଷ ଭଳି ରହିଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅନନ୍ତଦେବଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଆକାର ହୋଇଥିବ, ଆମେ ଚିନ୍ତା ଆମ ଚିନ୍ତାରେ ବାହାରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଧାରଣ କରିକିରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ନୁହଁ ଭଗବାନ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଭୂମି ରହିଛି ବୋଲି ବା ଭୂମଣ୍ଡଳ କେଉଁଠି ରହିଛି, ଭଗବାନ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁଖରେ ନୁହଁ, 1000 ମୁଖରେ, ପ୍ରତି ମୁଖରେ ଭଗବାନ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁଖରେ। ଏବଂ ଶେଷ ଅଧୁନା ବି ସମବସ୍ଥିତି ନାଶ ପାରମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗୁଣ ଶେଷ ହଉ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ କଥାଟି ଅଛି, ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ସାଂଖ୍ୟାନ ଋଷି ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆସୁଛି ଭାଗବତ ପରମ୍ପରା, ଚାରିକୁମାର ତାଙ୍କଠୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ଚାରିକୁମାରଙ୍କଠାରୁ ସାଂଖ୍ୟାନ ଋଷି ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ସାଂଖ୍ୟାନ ଋଷିଙ୍କଠାରୁ ପରାଶର ମୁନି ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୈତ୍ର ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ସବୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଭାଗବତ, ଅନେକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଭାଗବତମର। ତେଣୁ ଏ ବିଭୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏତିକି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି ସରିଗଲା ଆଉ ନାହିଁ, ନା ଏଭଳି ରହିଛି ଭଗବାନ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜର ଶକ୍ତି କେତେ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଠି ମୁନିଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅହୋ ବିଭୁମ୍ନ ଚରିତଂ ବିଡ଼ମ୍ବନମ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ,
ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଇଯିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଇଏ ସତରେ ଭଗବାନ, ଭ୍ରମ ହେଇଯିବ ଭଗବାନ ଲୀଳା ଏଭଳି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ମୋହିତ କରିଦେବେ ଭଗବାନ। ଆମର ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୁହ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କର୍ମାଣି ଅନିହସ୍ୟ, ଏଠି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ନା ଅନ୍ୟ, ଭଗବାନ ଯଦି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ, ଅନ୍ୟ କହିଲେ କୌଣସି ଏଇଟା କଲେ ଏଇ କର୍ମଟା କଲେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସେଇ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳକୁ ଆଶା ରଖି ନ ରଖିକି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କର୍ମାଣି ଅନିହସ୍ୟ ଏବଂ ଭବ ଭବିଷ୍ୟତେ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭବ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଭବ ଅଭବିଷ୍ୟତେ, ଏବଂ ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ସେଥାରି ଭୟାତ ପଳାୟନମ କାଳାତ୍ମନ, ଯଦିଓ ଭଗବାନ କାଳ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କାଳ, ସବୁକିଛି ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଶତ୍ରୁ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିକି ଦୁର୍ଗରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରକା, ଦ୍ୱାରକା ଦୁର୍ଗରେ ଭଗବାନ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ବର୍ଣ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କର କଥା ଷାଠିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ନା କେତେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଥିଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ, ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ଭୟରେ ଆସିକରି ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ବିବାହ କଲ ତୁମେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସମୟ ଅଛି, କେତେବେଳେ ସମୟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି, ତାପରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସମୟ ଅଛି, ତୁମେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ ହୁଅ ଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏ ଶୁଣିକିରି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଷାଠିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଧେ, ଏ ଶୁଣିକିରି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ, କାରଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ କରିଦେଇଥିଲେ ସେଇ ସୀତା ଦେବୀ, ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଣୀ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋତେ ରାମଙ୍କର ଅବତାରରେ ସେ ମୋତେ ନିର୍ବାସନ କରିଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସେ ମୋତେ କରିବେ ବୋଧେ ଦୂରେଇ ଦେବେ, କହିଛି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ, ଏସବୁ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏ ବିଦ୍ରୁଙ୍କୁ, କର୍ମାଣି ଦୁର୍ଗା ସ୍ରୋତାରି ଭୟାତ ପଳାୟନମ, ହରିଭୟରୁ ହରିଭୟ ଯେଉଁ ଜରାସନ୍ଧ, ଜରାସନ୍ଧକୁ 17 ଥର ପରାସ୍ତ କଲେ, ଖାଲି ପରାସ୍ତ କଲେ ତା ନୁହଁ, ପ୍ରତି ଥରକରେ 23 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି 18 ଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପଳାଇଗଲେ। ଏସବୁ ଲୀଳା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି 51-52 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁ ନା କେଉଁ 48-49 ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ଲୀଳା ପଳାଇଗଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୟ ଥାରି ଭୟାତ ପଳାୟନ କାଳାତ୍ମନ, ତାପରେ ନା ପ୍ରମଦା ଦୂତାଶ୍ରୟ, ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ 16,108 ରାଣୀ ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି 16,108 ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ 16,108 ରାଣୀ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ କୋଟି କୋଟି ଗୋପୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ରାସ ଲୀଳା ଇତ୍ୟାଦି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମଦା ଦୂତାଶ୍ରୟ ଯଦିଓ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାତ୍ମନରଥେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରାମ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିବାହ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅସୁବିଧା ହେବ ତା ନୁହଁ, ଭଗବାନ ସ୍ୱାତ୍ମରଥେ, ଆତ୍ମାରେ ସେ ରତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ, ଆତ୍ମାରାମ ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଏହି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ନକରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାସ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସବୁ ଭଗବାନ ଲୀଳା ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସ୍ୱାତ୍ମନରଥେ ଖିଦ୍ୟତେ ଧୀର୍ବିଧାମିୟ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ ମୋହିତ ହେଇଯିବେ, ବୁଝିପାରିବିନି ଭଗବାନ ଲୀଳାକୁ। ଆଜି ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚରିତଂ ବିଡ଼ମ୍ବନମ, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ବିଡ଼ମ୍ବନମ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ମାନବ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରନ୍ତି
साधारण लोक मैंने बुझीपारती ना अभजानती मांग मूढ़ा मानसी तनुमाश्रितम भगवान मनुष्य रूप से आसती मैंने मूर्ख मैंने भावती ये जन आम भाई मनुष्य जरासंध इत्यादि कत प्रकार शिशुपाल इत्यादि ये भाव से भावुले ये जन मनुष्य किंतु भगवान जो रही भक्त से बुझे मनुष्य से मैंने ये जानते तेणु से एक कथा कहते अहो आपणकर विभुम ने चरित विडम्बनम आपण जो चरित जो आचरण करोकशिक्षा देवाई आ पूर्व आम कही जनसंग्रह लोकशिक्षा भगवान के लीला माध्यम आम अनेक शिक्षा रही आमपाई अनेक शिक्षा रही भगवान से शिक्षा प्रदान करेणु शिव सिद्धर्शन कौन अच्छा ये तो आम कहीदे अच्छा अनिह कहले अक्रिय भगवान जदि सब कार्य करथापि से अनिह आत्मना स्वरूप मात्रेण आत्मना स्वरूप मात्रेण बहुधा अत्र दृष्टांत भगवान जदि एक किंतु से निजुक विस्तार कर उदाहरण कौन नई भूमि श्रुति सब शास्त्र सब वर्णना कर तेणु भगवान जदि कहे ननु कतमहम जगत सृष्टि आदि कर्ता वसुदेव पुत्रत्वाद इति यदि भगवान कहे मु वसुदेव को पुत्र मु सृष्टिकर्ता नुह तेणु भगवान मुनि ऋषि मैंने कहते अहो भगवान चरित यह आश्चर्य जन हो विभुम्न आपण खाली पुत्रता नुह आप विभुम्न विभुम्न कह परिपूर्ण आपण पूर्ण से पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्णमदे पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेभाव्य भगवान होती पूर्ण आम हूँ अपूर्ण किंतु भगवान सहित जी आम युक्त होमें पूर्ण परिणत हो तेणु विभुम्न कहले सुदर्शन कहते परिपूर्ण पूर्ण पूर्ण भाव पूर्ण तदेव जन्मादि चरित विडम्बनम अनुकरण मात्र न तो तत्वमिति भगवान जो लीला करत्व नुह यहाँ केवल अनुकरण भगवान कर मनुष्य लीला को अनुकरण कर भगवान लीला यहाँ तेणु श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते जदिओ आम देखुचे जो कुंभार कुंभार माटी द्वारा बहुत कहगला ना बहुत माटी बहुत प्रकार रूप सब रही कते प्रकार सृष्टि कर कुंभार माटिया फाटिया करते कौन सृष्टि कुंभार आमर जगन्नाथ मंदिर रे प्रतिदिन केते सब हाँ तैयारी जाऊँगी प्रतिदिन सगड़ सगड़ हाँ सब जाऊँ भगवान भोग लगुच गोटा थे भोग लगला द्वितीय थर से लगे ना से हाँ सब कड़े जाऊँ हो अनादि काल सब रोसे जाऊँ भगवान जगन्नाथ घर से हाँ सब कड़े जाऊँ किए कहे ओडावासी किए अच्छे ये कड़े जाऊ हाँ जन रही से हाँ ठाकुराणी जो रही से हाँ की सब खाई दौरान पूरी रे रही जगन्नाथ सेवा भगवान सेवार समस्त निजुक्त रही ना पूरी में गदा ही जाता गोटे पहाड़ ही जाता ये हाँ प्रतिदिन कैसे हाँ आोटे हाँ जो भोग लगुच सेकेंड टाइम लगूना भोग भगवान लगूना भोग होना से आम धूप देखिक पुणी थे देखे दूचे आज रोचे धूप को लगे थे लगला पर आज द्वितीय थर लगे कथा नुह ये हूँ नियम पूजार नियम होटा कि ना ना ये बहुत एत दामी धूप आम तो आउे दबाते दवा दिम हूँ यहाँ थे भगवान लगला मान से आ सेकेंड टाइम लगे ना यहाँ प्रसाद परिणत होगा से भोग लगे ना जा शिवा सिद्धर स्वामी कहते आम देखुचे बहुत प्रकार कुंभार बहुत प्रकार तैयारी कर सृष्टि तैयारी करटिया पाटिया करते कौन तैयारी कर किंतु भगवान जो सृष्टि कर कुंभार भाई सृष्टि कर भगवान भगवान इच्छा मात्र के सब सृष्टि हो कुंभार जो बहुत प्रकार कष्ट कर शरीर झाड़ बाहर थोड़ा या कर चक्कर सब लगे कर किंतु भगवान जो सृष्टि कर बहुत प्रकार कष्ट स्वीकार कर भगवान इच्छा मात्र से सब होटा कह जाए कौन ना ये हूँ ज्ञान स्वाभाविक
भगवान के हूँ ऑटोमेटिक सब ज्ञान तांको शक्ति शक्ति रही स्वाभाविक तांको निजे कष्ट पड़ी ता नुह भगवान इच्छा मात्र सब हो पार ये हूँ तफात शिव सिद्ध सनातन गोस्वामी कहते इच्छा मात्र नहीं तत्त सिद्धे ही निश्चित सिद्धि हो भगवान इच्छा करेंगे सृष्टि होष्टि हो सृष्टि हो निश्चितम हि कहले निश्चितम हि शब्द व्यवहार कराएगा निश्चित भाव में कौन सन्देह ना अहो हर्ष ने अहो जो कही बहुत आनंद रे भगवान लीला ये रही चिंता कर आनंद गदगद हो भगवान आनंद घन सी तेणु विभुम कहले परिपूर्ण सी भगवान अच्छा पूर्ण तर कौन अपूर्णता ना भगवान से न तो पूर्ण स्थिति कथम जरासंधा आदि तो पढ़ाए जोबले मुनि मैंने कहते भगवान मन में चिंता करुवे तुम कौ मुझे परिपूर्ण विभुम्न तेल मुझे पलायन करी जरासंध ठार पलिगली डरिक पलिगली तेणु मुनि मैंने कहते ये विडम्बनम ये आपणकर आचरण यहाँ विडम्बन अनुकरण कर अनुकरण भयर भयर अनुकरण कर प्रकृति आप भय कौट अच्छी भय ना तेणु ये भाव में यह श्लोकटी आम आलोचना कले आम समय होगा दुई मिनट भाव नाम कीर्तन करी कथा विश्राम देवा।